बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेश खिदमत है नावल जल्लात की नंबर दो जिसके मुसन्निफ़ हैं है जब हम मुसनफ के किनारे पहुंचे तो पथरीले ढलान नजर आए जिनके बाद हमवार जमीन थी लेकिन लाने के बाद वैसे ही दूसरा कटाव नजर आ रहा था खुदा की पनाह इससे ज्यादा खौफनाक इलाका मैंने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखा था इस कटाओ के ढलान में घोड़े उतरने लगे ढलान ज्यादा खतरनाक नहीं थी घोड़े निहायत आस्तगी से कदम जमा जमा कर उतर रहे थे और हमारे दिल धड़क रहे थे बाला आखिर हम गहरे ढलान अबूर करके नीचे सता सतह जमीन पर पहुंच गए लेकिन शाम पूरी तरह झुक आई थी और उसके बाद आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी ताहम दूसरा कटाव ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए उसकी गहराइयों में देखने के तेजस को कोई ना रोक सका और हम घोड़े दौड़ाते हुए उस दूसरे कटाव के पास पहुंच गए लेकिन नीचे झांकने से सर चकरा गया इस कटाव के बाद ढलान नहीं थे बल्कि एक सीधी दीवार सी नीचे उतर आई इंतहाई गहराइयों में चली गई थी जिसमें ला तदात नोकदार चटाने उभरी हुई थी इन चटानों में टेढ़े मेढ़े दरख्त उगे हुए थे लंबी लंबी मजबूत चट्टानों की बेलें रस्सियों की तरह लटकी हुई थी अगर कोई बाहिमत शख्स इन गहराइयों में उतरने की कोशिश करता तो उसे मायूसी ना होती लेकिन घोड़ों समेत नीचे उतरने का सवाल ही नहीं पैदा होता था इस दीवार को अबूर करने के बाद फिर वैसा ही मैदान था जिसमें हम खड़े हुए थे और इस मैदान का भी सिरा नजर आ रहा था अगर इन लोगों ने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो कम अज़ कम मैं तो उनका साथ नहीं दे सकूंगा कैप्टन वॉटकर ने कहा हाँ कर्नल हैरिस के साथ खुदकुशी नहीं की जा सकती मैंने कैप्टन वोडकर की तायद की वो दीवानगी के आलम में अगर यहाँ से भी नीचे उतर गया हो तो ताज्जुब की बात नहीं है वोडकर पुरख्याल अंदाज में बोला लेकिन इसके बाद क्या तुम उसकी जिंदगी की तवक्को करते हो कम अज कम उसके बूढ़े बदन में इतनी हिम्मत नहीं है खुदा जाने वोडकर ने बेजारी के अंदाज में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई महबूबा के बाप और भाई का मामला है कर तुम्हारे लहजे की बेजारी कुछ मुनासिब नहीं लगती मैं रोमियो जूलट के दौर में नहीं हूँ होशोह हवाज के दुनिया का इंसान हूँ महबूबाएं बार बार मिल जाती हैं मगर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है वोडकर ने कहा और मैं हंसने लगा डिप्टी कमिश्नर हमारे पास आ गया था क्या राय है आप लोगों की उसने पूछा क्या आप मजीद नीचे उतरने के बारे में सोच रहे हैं मैंने तमस्कराना अंदाज में पूछा कितना नीचे उतरेंगे ये घाटियां जमीन के सबसे आखिरी तबक तक गई हैं और इस आखिरी तबक तक पहुंचते पहुंचते हम बूढ़े हो जाएंगे कमिश्नर ने कहा क्या वाकई ये गहराइयां गैर तस्दीक शुदा हैं? मैंने पूछा यकीनन मुझे इस इलाके में तकरीबन पांच साल गुजर चुके हैं मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं की जो इन गहराइयों की तफसील से वाकिफ हो कमिश्नर ने जवाब दिया ओह तब तो ये गहराइयां जराइम पेशा लोगों की जन्नत होंगी हाँ राजपुताना के लिए ये इलाके खास सरदे दर्द सर हैं खतरनाक डाकुओं के लिए इससे बेहतर पना और कोई नहीं हो सकती रात हो चुकी है मिस्टर अब आगे के प्रोग्राम के बारे में फैसला कर लिया जाए तो बेहतर है वॉट करने का मेरी राय है कि अब इससे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं अगर रात की तारीखियों में इन ढलानों को अबूर करके ऊपर पहुंचने की कोशिश बेहतर हो तो ठीक है वरना फिर यहाँ रुक सुबह होने का इंतजार किया जाए इस वक्त हरनाम सिंह ने हमारी गुफ्तगु में मुदाखलत की घाटी में रुकना मौत को दावत देना है जनाब हम डाकुओं की गोद में होंगे यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा मेरी राय है जिस तरह भी बंद पड़े ऊपर चला जाए और इसके बाद दूसरा फैसला किया जाए हरनाम सिंह की बात वजनदार थी मैंने भी उसकी तइद कर दी और घोड़े चढ़ाई की तरफ छोड़ दिए गए चढ़ाई बेहद मुश्किल साबित हुई अगर घोड़े खुद अपनी जान बचाने के लिए महारत से काम ना लेते तो तारीकी में बहुत से घोड़े सवार समेत ढलान की गहराइयों में वापस जा गिरते बहुत खतरनाक सफर था लेकिन बहरहाल हम सब बगैर किसी नुकसान के ऊपर आ गए हाँ ऊपर एक खौफनाक वाकया हमारा मुंतजर था जिस जगह से हम ऊपर पहुंचे थे वहां 100 गज के फासले पर मशलों का एक नीम दायरा नजर आ रहा था और बुलंद मछलों के नीचे मखसूस किस्म का लिबास पहने लोग राइफलें तानने खड़े हुए थे उनका निशाना हम लोग थे कमिश्नर के हलक से आवाज निकल गई सभी सहम गए थे लेकिन मेरी आंखों में गहरी दिलचस्पी के आसार उभर आए थे मैंने हर नाम सिंह को दावत दी और वो मेरे करीब आ गया डाकू मैंने सवालिया अंदाज में पूछा हाँ साहब वही है हर नाम सिंह मुर्दा से लहजे में बोला चार राइफल बरदारों के साथ एक शख्स आगे बढ़ाया उसने गिरफ्तार आवाज में कहा घोड़ों से नीचे आ जाओ लाट साहब के बच्चों दो धमाके करेंगे और सब वापस गढ़े में जा पड़ोगे नीचे उतरो जल्दी और हर नाम सिंह ने जल्दी उस बात का तर्जुमा इंग्लिश में कर दिया सारे हिंदुस्तानी सिपाही पहले ही नीचे उतर गए थे डिप्टी कमिश्नर और हम सब भी नीचे उतर गए हथियार नीचे फेंक दो उसने दूसरा हुक्म दिया और सब ने हथियार नीचे फेंक दिए सफेद झंडा क्यों लहराया था तुम लोगों ने उस शख्स ने पूछा और हरनाम सिंह ने यह बात अंग्रेजी में दोहरा दी डिप्टी कमिश्नर ने जवाब दिया और हरनाम सिंह जल्दी से आगे बढ़ाया इसलिए कि इन जंगलों में हम किसी के खिलाफ जंग करने नहीं निकले हमारे सारे हथियार खाली हैं तुम देख सकते हो उस शख्स ने मुंह पीछे करके अपने साथियों से कुछ कहा और चार मिशाल बरादर आगे बढ़ाए उन्होंने सारे हथियार समेट लिए थे फिर उस शख्स ने पूछा हाँ अब बोलो क्यों आए हो इस इलाके में हम एक शख्स की तलाश में आए हैं हर सिंह ने कहा उस पागल बुड्ढे की तलाश में जो अपने बेटे का बदला लेने आया है हाँ वो कहाँ है आओ मिला दें उससे तुम्हें घोड़ों की बागें पकड़ लाओ उसने कहा और हर नाम सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को तफसील बताई चलो चलो इस वक्त इनसे इन हराफ मुनासिब नहीं है मैंने कमिश्नर की आवाज में नुमाया लर्जिश महसूस की थी एक बार फिर हम लोगों को जंगलों में दाखिल होना पड़ा और खासी दूर चलना पड़ा जिस जगह झील का मोड़ था उस मोड़ के कोने में हमें एक जगह मिशलें नजर आईं ये मिशलें दरख्तों में नष्ट थी और दरख्तों के झुंड के दरमियान एक खासी कुशादा जगह मौजूद थी झुंड के बाहर ही रोक लिए गए और हम सब लोग झुंड से गुजर कर उस छोटे से मैदान में आ गए जहाँ फरोकश थे वहां एक दरख्त के नीचे कर्नल हैरस रस्सी से जकड़ा खड़ा था उसकी कमीज का कालर खून से सुरख हो रहा था मिशलों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब लग रहा था तभी एक आवाज उभरी बोलो बोलो भानु चौहान की जय और बेशुमार आवाजों से जंगल लरस उठा मैंने एक लंबे तड़ंगे शख्स को देखा जिसके सर पर अजीब साख्त की पगड़ी बंधी हुई थी बेहद जहीम और कौमी कवि आदमी था राजपुताना के खास अंदाज की लंबी लंबी नोक तारे मूछे उसके चेहरे पर फैली हुई थी क्यों आए हैं ये लोग उसने पूछा क्या कह रहा है ये मैंने हर नाम सिंह से पूछा और हर नाम सिंह ने उसके लहाज का तर्जुमा कर दिया उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के इशारे पर वो आगे बढ़ गया हम उस शख्स की तलाश में आए थे कर्नल हैरस की तलाश में यह बहादुर तो हमें गिरफ्तार करने आया था वो हंसकर बोला इससे कहो कि कर्नल हैरस पागल हो गया और दीवानगी के आलम में इस तरफ निकल आया है अगर वो उसकी वापसी के लिए तैयार हो तो उसके बदले में हम उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं अगर उसका कोई आदमी गिरफ्तार हो तो हम उसकी रिहाई की जमानत देने को तैयार हैं डिप्टी कमिश्नर ने कहा और हन्नाम सिंह ने उसकी बात दोहराई और वो फिर हंस पड़ा तुम सफेद लोग बड़े सुअर होते हो चलो ले जाओ इसे और सुबह होने से पहले इस जंगल से निकल जाओ मैंने उसे सजा दे दी है हिंदुस्तानी सिपाही कर्नल हैरिस को खोलने दौड़ पड़े कर्नल हैरिस अंग्रेजी में गालियां बक रहा था सबको शूट कर देने की धमकी दे रहा था लेकिन इस वक्त कौन एहतियात बरतता सबकी जिंदगियां बंदूक की गोलियों के सामने थी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उस शख्स से कुछ बातें करूं, लेकिन कुछ ऐसा रोब गालिब हो रहा था कि जबान ही बंद हो गई थी दूसरा मामला एक दूसरे की ज़बान समझने का था हर सिंह खुद भी कांप रहा था उस वक्त वो मेरी तरजुमानी के काबिल भी नहीं था चुनाचे हिंदुस्तानी सिपाही उछलते कूदते हैरस को जकड़े हुए आ गए भानु चौहान ने हमें इजाज़त दे दी थी इसलिए हम रुके बगैर यहां से निकल आए सच्ची बात तो यह है कि उस वक्त सबको अपनी अपनी जिंदगी की फिक्र थी इसलिए सारे इखलाकी इकदार खो चुके थे और हर शख्स वहां से निकल भागने की फिक्र में था यूं मैंने एक अनोखा किरदार अपनी याददाश्त में कैद कर लिया अंग्रेज की ये तहरीर इस बसीदा किताब में थी जिसे मैंने मनोहन पेश कर दिया लेकिन ये तो एक छोटी सी बात थी जिससे भानु चौहान की जिंदगी का कोई राज सामने नहीं आया मेरे पास तो गुल मोहम्मद की जबानी सुने हुए सीधे और सच्चे अल्फाज में वो अजीम कहानी मौजूद है जिसे बयान करूं तो सुनने वाले खो जाए याददाश्त के इस खजाने में रंग बिरंगे मोती होते हैं जिनकी चमक जहन दिल को खीरा कर देती है हर मोती की अपनी कहानी है और ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा मोती उठाकर आपके सामने पेश किया जाए इस कहानी को बयान करने के लिए मैंने एक अलामती सहारा लिया है यूं समझिए कि गुल मोहम्मद साहब ने अपनी याददाश्त के सहारे जो कहानी टुकड़ों की शकल में मुझे सुनाई है मैंने वो टुकड़े एक टोकरी में डाल लिए हैं और एक मखसूस वक्त तक मैं उस टोकरी से जो कहानी बरामद होगी वो सुनाता रहूंगा और उसके बाद उसकी तरतीब होगी कर्नल हैरस की दास्तान चूंकि इस किताब से एक तबास थी इसलिए मैंने मनोन पेश कर दी और अब कहानी का पहला बाप पेशमत है जिससे भानू चौहान की जिंदगी के इब्तई हालात का पता चलता है बात सिर्फ रजवाड़ों की नहीं थी भानू का दायरा कार बहुत वसी हो गया था इन दिनों ज्यादा लोग उसके साथ नहीं थे और उसने सीता घाटी या चंबल घाटी में अपना कोई मुस्तकिल पड़ाव नहीं बनाया था वो घूमता रहता था और आगरा दहली और इसके नवाह के दूसरे इलाके इसके नाम से कांपने लगे थे और उसे एक खौफनाक किरदार की हैसियत हासिल हो गई थी अंग्रेज पुलिस अपने जहीन तरीन लोगों के साथ उसकी तलाश में सरगर्दा रहती थी और भानु गोया उस पुलिस से वाकफियत हासिल कर रहा था लेकिन अंग्रेजी पुलिस और हुकाम की मदद करने वाले वो लोग भानु के अंग्रेजों से ज्यादा दुश्मन थे जो रातों को रातों की नींद भानु के खौफ से खो चुके थे और अपने आकाओं के लिए हर वक्त अपनी खिदमत पेश करने को तैयार रहते थे इन्हीं आकाओं के बल पर उन्होंने अपने इलाकों में लोगों की जिंदगी तल्ख कर रखी थी गरीब किसान और दूसरे कारोबारी लोग इन्हें अपनी मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा देने पर मजबूर थे लेकिन भानु ने उस रंग में भंग डाल रखी थी उसके बारे में पता नहीं होता था कि कब कहाँ आ निकले चुनाचे अंग्रेजी नेता बड़े बड़े भाषण देते थे और भानु की गिरफ्तारी के लिए सूरमा तैयार करते थे इस वक्त भानु के गिरोह में सिर्फ चार आदमी थे लोरीलाल, हीर धर्म सिंह खतरी और इब्राहिम लोटिया चौथा आदमी खुद भानू चौहान था ये चारों किस तरह दोस्त थे इसकी तफसील टोकरी के किसी दूसरे हिस्से में है वक्त आने पर वो भी मालूम हो जाएगी इन दिनों धर्म सिंह और लोरी लाल कहीं किसी खोज में गए हुए थे भानु और इब्राहिम फतेहपुर के नवाह की एक बस्ती में थे इब्राहिम के बारे में लोगों को मालूम हो चुका था कि वो परभान सिंह के खास आदमियों में से एक है फतेहपुर से गुजरते हुए इब्राहिम ने भानु से कहा कि वो कुछ वक्त बस्ती पोलासी में गुजारना चाहता है बस दो एक दिन यहाँ रह कर आगरा चलेंगे यहाँ मेरे रिश्तेदारों की चंद खबरें हैं उन पर फातिया पढ़ूंगा और फूल वगैरह डालूंगा अब इस तरफ आया हूं तो फात्या पढ़े बगैर यहां से गुजर जाना अच्छा नहीं लगता तेरे कौन से रिश्तेदार हैं यहाँ इब्राहिम भानु ने पूछा मोलवी करमदाद और अली सरदार भाई अठारह के गदर में अपने पूरे खानदान के साथ शहीद हो गए थे वो दहली में मारे गए थे और इन्हें तोप के मुंह पर बांध कर तोप दाग दी गई थी जिससे उनके बदन कीमा कीमा हो गए थे तब मेरे मामू जो दहली में रहते थे इस कीमे को चादर में बांध कर और घोड़ी पर रख कर दहली से पलासी आए थे यहाँ इन्हें दफन किया गया इब्राहिम ने बताया ओहो ऐसे बहादुरों की समाधि पर तो हम भी फूल डालेंगे हमें भी ले चल भानू ने कहा और फिर उन्होंने बड़ी अकीदत से फूल जमा किए और शहीदों के कब्रिस्तान चल पड़े ये कब्रिस्तान शहीदों के कब्रिस्तान के नाम से ही मशहूर था कब्रिस्तान के किनारे हमीद गोरकन की झोंपड़ी थी और ये शख्स इब्राहिम को पहचानता था उसे ये बात भी मालूम थी कि इब्राहिम डाकू बोना भानो चौहान की मंडली में शामिल हो गया है जिस वक्त ये दोनों फूल लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमीद ने इब्राहिम को पहचान लिया और उसके साथ बड़ी बड़ी मूछे वाले घबरू जवान को देख कर उसने यही नतीजा अखज़ किया कि वह भानु चौहान ही हो सकता है पहले तो वो डरा कि मुमकिन है ये लोग पोलासी को लूटने आए हों इसी बस्ती में हमीद के ख़ानदान के दूसरे लोग भी थे जो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे लेकिन फिर उस, उसने दूसरी बात सोची ये ससरे नातेदार इसे क्या देते हैं जो इस, इसकी तो बस यही ज़िंदगी है कि पोलासी में कोई मुसलमान मर गया तो हफ्ते दस दिन की रोटियां चल गईं वरना वही गई की जिंदगी लुटते हैं तो लुटें। मैं क्यों ना फतेहपुर चला जाऊं फतेहपुर में ठाकुर बासनियों के हाँ, हमीदों का बाप भैंसों के बाड़े में नौकर था दूध वगैरह धोना उसका काम था और इस शर्त पर उसे नौकरी मिली थी कि वो गोश्त खाना कतई छोड़ देगा और बेचारा फत्तू कभी कभार जब बस्ती पोलासी आता तो बकरों के बकरे हजम कर जाया करता था क्योंकि ठाकरे के यहाँ गोश्त खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था चुनाचे अगर ठाकुर को भानु की इतला मिल गई और भानु गिरफ्तार हो गया तो इनाम जरूर मिलेगा ठाकुर अंग्रेजों का खास पिट्ठू था उसने इनाम के लालच में छुप कर इन दोनों का पीछा किया और इन्हें कब्रों पर फूल चढ़ाते देखा फिर इसने वापसी में भी इन इन दोनों का पीछा किया और वो घर देख आया जहां वो छुपे हुए थे उसके बाद उसने वापस आकर हचून लाल से घोड़ी मांगी और उस पर जीन का कासकर चल पड़ा घोड़ी को बर्क रफ्तारी से भगाता हुआ वो आन की आन में फतेहपुर पहुंच गया और फिर सीधा अपने बाप के पास गया और इसे उसने पूरी तफसील बता दी थी मुझे यकीन है कि वो भानू चौहान और इब्राहिम ही हैं फत्तू ने मुशतबा अंदाज में पूछा इब्राहिम को मैं अच्छी तरह पहचानू हूँ पर वो दूसरा भी भानू ही लगे है बाबा तू जल्दी कर हमें इस मामले से क्या मिलेगा हमीदू अगर इन्हें पता चल गया तो दुश्मनी अलग हो जाएगी तू सोच ले अरे मैं इतनी दूर से ही थोड़ी आया हूँ क्या भानु की खबर देने का कुछ इनाम नहीं मिलेगा ये तो ठाकर की खुशी पर है वो महाकंजूस आदमी है आज तक तो उसने किसी को इनाम नहीं दिया पर ठीक तू चल यहां से तो चल फतू ने कहा और हमीदा को लेकर ठाकर बासलियों के पास पहुंच गया ठाकर साहब ऐश पसंद आदमी थे अंग्रेजों ने इन्हें हलक तक भर दिया था दूर दर्ज तक की जमीनें फैली हुई थीं जो गरीबों की एड़ी चोटी तक के पसीने से सिराब होकर सोना उगलती थीं और यह दौलत ठाकुर साहब की तिजोरियों की जीनत बन जाती थी फत्तू गवाले को देख कर उन्होंने हुक्के को मुंह से अलग किया और पाव दबाने वाले नौकर को रुकने का इशारा किया नौकर अलग हटकर खड़ा हो गया क्या बात है फतू क्या भैंसों में फिर बीमारी फैल रही है नहीं सरकार हम तो एक दूसरे काम से आए हैं फत्तू ने हाथ जोड़कर कहा ये कौन है तेरे साथ छोरा है हमारा सरकार पुलासी से आया है फतू ने जवाब दिया हम्म नौकरी दिलानी होगी इसे नहीं माई बाप ये तो अपना धंधा करे है कब्रें खोदे है सरकार पुलासी के कब्रस्तान में अरे तो फिर क्यों आया है और इसे क्यों लाया है यहां जल्दी बोल कब्रें खोदने के जिक्र से ठाकुर साहब को सख्त कोफ्त हो रही थी उन्होंने तेवरियां चढ़ा ली थी हमारा पूत हमीद एक बुरी खबर लाया है सरकार ये कहता है कि बस्ती पुलासी में भानु चौहान आया है फतू ने कहा और ठाकुर साहब उछल कर सीधे हो बैठे कौन कौन उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया चौहान टकेत उसने उसे अपनी आंखों से देखा है सरकार और देखते ही सारा काम छोड़ भागम भाग सरकार को इतला देने चला आया है जी माए बाप गोरकर ने हाथ जोड़कर कहा उसके साथ ग्रोह है पूरा हाँ हाँ भानु के साथ इब्राहिम का नाम भी सुना गया है इसका ग्रोह भी कहीं आसपास जरूर छुपा हुआ होगा ठाकुर साहब हुक्का और पैरों का दर्द भूल गए थे उनके पुरसकून चेहरे पर तरदुद की लहरें फैल गई थी वो परेशानी से इधर उधर देखने लगे फिर बोले कहीं वो इस तरफ चल ना पड़ा हो तूने उसे कहां छोड़ा था वही बस्ती के एक घर में सरकार हमीदू ने कहा और इस बारे में पूरी तफसील बता दी वैसे अब वो इनाम की तरफ से ना उम्मीद हो गया था ठाकुर साहब की तो वैसे ही दाल पतली होने लग गई थी इन बुरे हवासों में उन्हें इनाम का ख्याल कैसे आ सकता था ठाकुर साहब सख्त परेशान थे पर उन्होंने पाँव दबाने वाले मुलाजिम से किसी को बुलाने के लिए कहा और मुलाजिम दौड़ गया बड़े साहब का एक खास आदमी आया तो उन्होंने फतेहपुर को थानेदार कमला सिंह को बुलाने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा था कि घोड़े से जाओ और कमला सिंह को जल्दी से बुला लो वो शख्स भी चला गया उसके लिए क्या हुक्म है सरकार इसे वापस भेज दूं दूसरे की घोड़ी मांग कर लाया है आपसे ऐसी मोहब्बत करता है के सारे काम छोड़कर आपको इतला देने दौड़ाया बिठा दो इसे अभी कमला सिंह आ जाए उसके बाद चला जाएगा ठाकुर साहब इन फजूल बातों से मुतासर नहीं होते थे थानेदार कमला सिंह ठाकुर साहब के बुलावे पर फौरन ही दौड़ता चला आया और ठाकुर साहब के सामने आकर हाथ जोड़ दिए ठाकुर साहब ने इसे पूरी तफसील बता दी फिर क्या हुक्म है ठाकुर साहब ये तो तुम सोचो कमला सीन अगर भानु अपने गिरोह के साथ नहीं है तो फिर इसे गिरफ्तार करने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं मिलेगा लेकिन कमला सीन वो बेहद चलाक है इसे भिनक मिल गई तो भाग जाएगा इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा ठाकुर साहब मेरा नाम कमला सीन है अगर भानु कमला सीन के इलाके में आ ही गया है तो फिर इसे मजा चखना पड़ेगा आप चिंता ना करें मैं इसे बहुत जल्द जिंदा या मुर्दा ले आऊंगा अब तुम जाओ और देर ना करो इस आदमी की जरूरत तो नहीं ठाकुर साहब ने पूछा मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं ये मुझे उस घर का पता बताएगा आ गया दें थानेदार उठ खड़ा हुआ होशियारी से कमला सीन वो बहुत चलाक है मुझसे ज्यादा चलाक नहीं है महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें थानेदार ने कहा और हमीदू को साथ अनिका इशारा करके उठ खड़ा हुआ हमीदू की जान निकल गई थी और फतू का चेहरा भी उतर गया इनाम तो भाड़ में गया जान के लाले पड़ गए थे अब हमीदू थानेदार के साथ जाएगा और भानु को ठिकाने की निशानदही करेगा अगर भानु थानेदार कमला सिंह के हाथों मारा गया तब तो खैरियत थी और अगर बच गया तो उसे मालूम हो जाएगा हमीदों ने मुखबरी की है उसके बाद क्या होगा ऐसे ही ख्याल हमीदों के दिल में थे और उसकी जान निकली जा रही थी लेकिन बुरा वक्त आ चुका था लालच की सजा फ़ौरन ही मिल गई थी उसके हाथ पाओ में सनसनी हो रही थी कमला सिंह ने थाने वापस जाकर जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दी भानु चौहान से अभी तक उसकी मुठभेड़ नहीं हुई थी हाँ उसके चर्चे जरूर सुने थे और कमला सिंह को यह बात भी मालूम थी कि अंग्रेज हुकूमत भानु सिंह की गिरफ्तारी में बहुत दिलचस्पी रखती है कमला सिंह छोटे मोटे बहुत से चोरों और बदमाशों को पकड़ चुका था और इस सिलसिले में काफी शोहरत रखता था इसलिए उसने सोचा इस बार एक बड़े डाकू को भी इसी आसानी से गिरफ्तार कर लेगा और मुमकिन है उस कारनामे पर उसका ओहदा कुछ और बढ़ जाए दूसरी तरफ ठाकुर बासदियों ऐसा खौफ जदा हो रहा था कि उसने अपने तीन खास आदमियों को घोड़ों पर सवार करके आगरा भिजवा दिया था ताकि वहां जाकर भानु सिंह की पलासी में मौजूदगी की इतला दे लालच तीनों के दिलों में था हमीदो इस चक्कर में आया था कि इस इतलाह पर उसे ठाकुर बासदियों से इनाम मिलेगा कमला सिंह भानु को गिरफ्तार कर लेना चाहता था ताकि उसका अहदा बढ़े और उसे इनामात मिलें। और ठाकुर बास्तियों इसलिए भानु की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहा था कि सारे इलाके में उसकी धाक बैठ जाए ठाकुर ने भानु जैसे खतरनाक आदमी को गिरफ्तार करवाया है। सब इन्हीं जज्बात के, सब के असर काम कर रहे थे। कमला सिंह ने आठ दस सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और हमीदू को साथ लेकर पलासी बस्ती की तरफ चल पड़ा हमीदू की जान पर आ बनी थी लेकिन मरता क्या ना करता के मस्दाक वो थानेदार कमला सिंह की मदद के लिए आमादा हो गया था घोड़े बर्क रफ्तारी से पुलासी की तरफ दौड़ रहे थे और फिर वो पुलासी में दाखिल हो गए पुलासी के बाहर एक धर्मशाला के पास कमलासीन रुक गया उसने जमादार राज खन्ना को हमीदू के साथ भेजा और उसे हिदायत दी कि जाकर मालूम करे कि भानु अपनी जगह मौजूद है या नहीं हमीदू को उसने राज खन्ना की रहनुमाई के लिए भेज दिया जिस मकान में हमीदू ने इन दोनों को दाखिल होते देखा था वहां से ग्रामोफोन बजने की आवाजें सुनाई दे रही थी फिल्मी गानों के रिकॉर्ड बज रहे थे जमादार ने अंदाज़ा लगा लिया कि मकान में रहने वाले मौजूद हैं उसके अलावा उसने पीपल के दरख्त से बंधे दो कद आवर घोड़े भी देख लिए थे जिनके सामने घास पड़ी हुई थी उसने फ़ौरन हमीदू को वापस भेज दिया कि जाकर कमला सिंह को इतला दे दे कि वह दोनों मौजूद हैं हमीदू का दिल तो चाह रहा था कि वो इस मौका से फायदा उठाकर भाग जाए लेकिन गुजला आदमी था उसे यकीन था कि इस हरकत पर पुलिस उसे ना छोड़ेगी कब्रस्तान के किनारे बने हुए मकान में उसके बीवी बच्चे मौजूद थे अगर वो भाग गया तो पुलिस उसके बीवी बच्चों को पकड़ लेगी चुनाचे अब उसके सिवा चारा न था कि जो तकदीर में लिखा है उसे पूरा करे और जाकर कमला सिंह को यह इतला दे दे तीन ने हमीदों की बात सुनी और चल पड़ा नहायत खामोशी के साथ उसने सिपाहियों को बंद मकान के चारों तरफ फैला दिया उसने सिपाहियों को हिदायत कर दी थी कि बस्ती के लोगों को उस तरफ ना आने दिया जाए बस्ती वाले बेचारे पुलिस को देखकर वैसे ही खौफजदा हो गए थे सिपाही करण देव एक बेवकूफ़ सा इंसान था वो हमेशा खयालों की दुनिया में खोया रहता था अक्सर ख्यालों में वो खतरनाक मुजरमों से मुकाबला करता और ख़तरनाक जंग के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेता था इसके बाद वो खुद को हवालदार और फिर इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की करते देखता और उसकी गर्दन फ़खर से अकड़ जाती थी उस वक्त थानेदार कमला सिंध ने उसकी ड्यूटी मकान के अकब में लगाई थी और वो बंदूक संभाले एक टूटी दीवार की आड़ में बैठा हुआ था उसकी निगाहें मकान के अकबी दीवार पर जमी हुई थी चश्मे तस्वुर में उसने देखा कि जबरदस्त गोलियां चल रही हैं कमला सिंह भानु डाकू के हाथों जख्मी हो चुका है और भानु फखटर से बंदूक ऊंची किए मुस्कुराता हुआ अकबी दीवार पर चढ़ रहा है फिर वो कूदने के लिए तैयार हो रहा है कि करणदेव मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ जाता है भानु चौहान तुमने कमला सिंह को शिकस्त दे दी लेकिन अब तुम्हारे सामने करण देव है उससे जीतना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है उसने बंदूक की नाल भानु के सीने की तरफ की और ट्रिगर दबा दिया फायर की आवाज पर वो उछल पड़ा बेख्याली में बंदूक चल गई थी और फायर की आवाज गूंज उठी कमला सिंह जो अभी अपने लोगों को पूरी तरह चौकस भी नहीं कर पाया था उछल पड़ा और दूसरी तरफ परभान सिंह और इब्राहिम भी चौंक पड़े इब्राहिम जिसे फिल्मी गाने बहुत पसंद थे और जो इस वक्त गानों पर मस्त हो रहा था उछल कर खड़ा हो गया उसने साउंड बॉक्स रिकॉर्ड से हटा लिया और हैरत से भानु को देखने लगा सिपाही आसपास के लोगों को वहां से भगा रहे थे इर्द गिर्द के सारे घर खाली हो चुके थे बेचारे देहाती पहले ही पुलिस को देख कर बदहवास हो रहे थे इसलिए एक इशारे पर घरों से निकल भागे जिस घर में भानु छुपा हुआ था उससे सबसे नज़दीकी घर एक बेवा शक्नी शिगनी का था शिगनी वो बड़ी मस्त औरत थी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी 17 साल की उम्र में शोहर को सांप ने काट लिया और वो मर गया तब से इसी घर में रह रही थी और आधी जवानी खुद पर से गुजार दी थी चटक मटक से रहती थी जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो चुके थे उन्होंने शिगनी का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन शिग्नी ने उन्हें बीच बाजार में लाकर मारा था थानेदार कमला सिंह ने पहले शिकनी का दरवाजा ही खटखटाया था और शिकनी ने दरवाजा खोल दिया घर से निकलकर भाग जाओ वरना गोली लग जाएगी तुम्हारे अरे अरे हवालदार जी गोली खुद लग जाएगी कौन चला रहा है गोलियां मैं थानेदार हूं समझी हवालदार नहीं हो गए शिगनी को क्या वो लापरवाही से बोली उस सामने वाले घर में बाजा कौन बजा रहा है भूत सरकटे होंगे घर तो खाली पड़ा है हवालदार जी वो हंसकर बोली ठीक से बता दो उस घर में कौन रहता है थानेदार ने कहा ऊंचा तो थानेदार कमला सिंह को गुस्सा तो लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया इस वक्त इस बेबाग देहातन से उलझना मुनासिब नहीं था उसने हवालदार और एक और दूसरे साथी को आवाज दी और फिर इस बंद मकान के दरवाजे पर पहुंच गया फिर उसके इशारे पर नायक सुंदरिया ने दरवाजा पीटा मगर अंदर रिकॉर्ड बजता रहा और कोई जवाब ना मिला ऊपर चढ़कर दीवार से झांको कमला सिंह ने नायक को हुक्म दिया और वो दीवार दीवार में रखने तलाश करता हुआ ऊपर चढ़ा और जूं ही उसका बदन दीवार पर उभरा एक गोली सनसनाती हुई आई और गर्दन के नीचे छाती में सुराख करके घुस गई फौरन ही दूसरी गोली चली और हवालदार ढेर हो गया ये दूसरी गोली हवालदार के जबड़े पर लगी थी और दांतों के पर खच्चे उड़ाती हुई निकल गई दोनों के खून उगलते हुए बदन जमीन पर उछलने लगे सिपाहियों ने जो यह खौफनाक मंजर देखा तो अपने मोर्चों से निकल भागे भानु के नाम से वो पहले भी खौफजदा थे और अब यह मंजर देखकर उनके कदम उखड़ गए कमला सिंह सिंह की इज्जत और आन का मामला था सिपाहियों को तो ना रोक सका लेकिन खुद अपनी जगह पर जमा रहा जमादार राज खन्ना भी उसके साथ मौजूद था वो दोनों तड़पते हुए साथियों की तरफ मुतवजे थे कि अचानक दरवाजा खुला और भानु ने शेर की तरह जस्त लगाई और सामने वाले मकान में घुस गया थानेदार और जमादार राज खन्ना मुंह खोल कर रह गए थे भानु ने मकान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सहन में लगी बांस की सीढ़ी से मकान की छत पर पहुंच गया इब्राहिम ने खुला हुआ दरवाजा फिर बंद कर दिया छत से भानु ने जमादार राज खन्ना पर निशाना लगाया लेकिन उसकी तकदीर अच्छी थी कि गोली उसके जूते की नोक पर लगी इससे ज्यादा जीदारी वो नहीं दिखा सकता था इसलिए उसने भी भागकर जान बचाई अब सिर्फ कमला सिंह रह गया था लेकिन अब दुश्मन दोनों तरफ था इसलिए उसने भाग कर एक मकान की दीवार के पीछे पनाह ले ली थी और पिस्तौल से फायरिंग करने लगा अब वो दोनों तरफ से चलने वाली गोलियों की जद से महफूज था लेकिन खुद भी कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सका था तभी उसे एक गिरजदार आवाज सुनाई दी इब्राहिम अरे ओ इब्राहिम क्या बात है भानु महाराज बाएं तरफ से जा जरा मैं इस थानेदार की खबर ले लूं। इब्राहिम से ज्यादा भानु को और कौन समझता था

इस पर सही निशाना लगाने के लिए पैंतरे बदल रहे हैं और जबकि वो उनकी सही सिम से ना वाकिफ था उस खामोशी को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मकान के अकब से निकल कर भागा भानु और इब्राहिम इसी ताक में अपनी जगह खामोश खड़े थे जूं ही कमला सीन खुली जगह में आया दोनों की गोलियां इसकी पुष्ट पर पड़ी और सीने के पार हो गईं। थानेदार उछल कर गिरा और फौरन सर्द हो गया भानु मकान की छत से नीचे कूद आया दूसरी तरफ से इब्राहिम भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया था भानु बुलंद आहन कह कहे लगा रहा था दोनों अपनी फतह की खुशियां मना रहे थे फिर भानु ने कहा ये पोलासी वाले सारे भाग गए क्या हाँ गांव वाले गोलियों की आवाज के सामने कहाँ रुकते आओ भानु इस मौका से फायदा उठाएं इनके घरों में घुस कीमती चीजें अपने कब्जे में कर लें कोई रोकने वाला नहीं है नहीं इब्राहिम बहुत बुरी बात है जो जान के डर से भागे हैं उनका माल लूटना गुनाह है और फिर इन बेचारों के पास होगा ही क्या भानु ने हाथ उठाकर कहा इब्राहिम भानु की बात पर शर्मिंदा था वो पीपल के दर के नीचे घोड़ों घोड़े खोलने चला गया इसी दौरान इस घर का दरवाजा दरवाजा जिसमें रहती थी खुलने की आवाज पर दोनों चौंक पलटे थे उनकी बंदूकें सीधी हो गई थी लेकिन फिर उन्होंने एक जवान औरत को देखा जो कमर पर दोनों हाथ रखे तनी खड़ी थी उसके चेहरे पर खौफ के आसार नहीं थे हे रहे सरकटो खूब गोलियां चलाई हैं तुम लोगों ने जमादार को मार डाला पापी खराब आदमी मालूम होता था औरत ने कहा भानु और इब्राहिम ने एक दूसरे की शकल देखी और आगे बढ़ाए भानु बड़े गौर से उसकी सूरत देख रहा था फिर उसने सर आवाज में पूछा तूने हमें सर कटा क्यों कहा लो अकेले घर में बाजा बजा रहे थे और फिर पापी पुलिस वालों को पीट मार डाला और फिर तुम लोग आदमी हो या सर कटे उसने हंसकर कहा तो बड़ी जीदार है सारा गांव भाग गया पर तू अपने घर से नहीं निकली भानु ने दिलचस्पी से पूछा अरे मैं शिग्नी हूं पूरी बस्ती जाने है मुझे कि मैं कैसी जीदार हूं तू विधवा है शिग्नी कब मरा तेरा पति भानु ने पूछा नौ साल हो गए हैं पूरे हमारे ब्याह के बाद एक साल ही तो जीता रहा वो शिगनी ने जवाब दिया तू अकेली रहती है यहाँ अकेली ही भारी पड़ू हूं सब पर वैसे संसार में अपना कोई ना है हमें भाई बना ले भानु बोला भाई शिगनी ने चौंक कर उन्हें देखा हाँ क्या इस काबिल नहीं है भानु ने पूछा यह बात नहीं है तुम लोगों ने बात ही ऐसी कर दी है कि अगर भाई बने हो तो आओ अंदर आ जाओ जब से मेरा पति मरा है इस घर के अंदर कोई मर्द नहीं घुसा पर भाइयों और मर्दों में तो फर्क होता है बड़ा आओ अंदर आ जाओ थानेदार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी थोड़ी देर बैठते बातें करते मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती नौ साल हो गए कभी दिल से चूल्हा नहीं जलाया बस इतनी सी बात थी अगर ये बात है शिगनी तो ठीक है क्या खिलाएगी बोल आलू की पूरियां गरम गरम और चने की साग की भाजी वो खुश होकर बोली हम दोनों रात को आएंगे शिगनी तू आटा गूंध कर रख लेना बस्ती से काफी दूर निकल आने के बाद इब्राहिम ने कहा तुम इस बस्ती में दोबारा जाने का वचन दे आए हो जहां तुमने थानेदार और तीन दूसरे पुलिस वालों को मार दिया है हाँ दे तो आए हैं इब्राहिम भानु बोला तो क्या वापस जाओगे जाना पड़ेगा भाई नहीं तो शिगनी कहेगी भानु चौहान सच्चा आदमी नहीं था मगर तुम क्यों परेशान हो थोड़ी देर के बाद बस्ती बहुत ख़तरनाक हो जाएगी बस्ती वाले वापस आकर लाशें देखेंगे फिर फतेह को ख़बर जाएगी और उसके बाद थानेदार की कत्ल की तफ्तीश शुरू हो जाएगी मुमकिन है पोलासी की नाकाबंदी भी हो जाए नावल जल्लाद अभी जारी है इसकी किस्त नंबर तीन सुनने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए